बहुत अच्छा है, छोटी है गई। गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपनी रोड ट्रिप के लिए, वी आर गोइंग फॉर अ वीकेंड ट्रिप। हम फॉल कलर्स देखने जा रहे हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं फर्स्ट टाइम फॉल कलर्स देख रही हूँ एंड मैं इसके लिए हमेशा से ही जाती थी क्योंकि मुझे ये वाला सीज़न बहुत अच्छा लगता है। एंड हम वो एक मूवी है ना, कमेंट डाउन कर देना, जिसमें वो शाहरुख खान है आई गेस, है ना दीदी, शाहरुख खान है ना, उसमें वो पत्ते गिरते हैं। मैंने सोचा साड़ी पहन लेती हूँ और एकदम वो अलग कर लूँगी, बट नहीं गाई, साड़ी लाई नहीं तो हो नहीं पाएगा। और यस दीदी, और आई विल टेल यू, दैट इज़ जीजू। जीजू साफ कर रहे हैं, हम कार से जा रहे हैं और रात को हो गई थी बारिश बहुत ज़ोर की, मुझे तो लगा था हम जा नहीं पाएंगे बट बारिश अभी बंद हो गई। एंड वो दीदी का अपार्टमेंट है जो यहाँ से दिख रहा है ना, सेकेंड फ्लोर इट इज़। And this is our car, and we are off to the road trip. So, Didi, bolo Ganpati Appa Moriya, Mangal Murti Moriya. So, we'll keep you updated in the car. Pura scenery dikhaungi, fall colors dikhaungi, and let's go. Bye. तो हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है गाइज, तो हम Memphis and we have just started and then I will keep you updated guys, bye guys. तो अभी हम हाफ ऑफ द वे तो नहीं पहुँचे, इट्स मोर 3.5 आवर्स टू रीच दे। तो मैं को एक बात बतानी थी कि एक्चुअल में सबको ऐसा लग रहा है कि मैं US पढ़ाई करने आई हूँ, ये बहुत कन्फ्यूजन है सबका। सो मैं US पढ़ने नहीं आई हूँ, मैं US थोड़े दिन दीदी के यहाँ रहने आई हूँ, इन्जॉय करने हो गाइज, ज़िंदगी जीनी चाहिए। कब तक पढ़ते रहोगे, सोचते रहोगे, इन्जॉय नहीं करोगे, कल किसने देखा है? इसलिए मैंने तो कल देखना ही नहीं था, तो हमें US आ गई डायरेक्ट। तो अभी मैं थोड़ा इन्जॉय करूँगी यहाँ पर अपनी लाइफ, देन वही वापस इंडिया चले जाऊँगी, बैक टू वर्क, बैक टू होम। तो प्लीज़ जो भी सोच रहा है कि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ या मेरे को यहाँ जॉब लग गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, मैं यहाँ आई हूँ। और अगर मुझे यहाँ जॉब लग भी जाती और मैं पढ़ने भी आ जाती तो मैं मेम्फिस क्यों आती? मैं वहाँ जाती, कहाँ, टेक्सास जाती या जो बड़ी जो यूनिवर्सिटी है। दीदी टेनेसी में नहीं आना, यूनिवर्सिटी अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस है, हमको पता नहीं था यार, दीदी ने तो टेक्सास से पढ़ा, तो हमको तो एक ही दो पता है और जिसमें दोस्त गए होंगे वो पता है। तो मैं तो अभी नहीं आई हूँ, इन फ्यूचर अगर आऊँगी ना गाइस तुम लोग को पहले बता दूंगी कि यार जा रही हूँ, तो तुम्हें ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि फिर सब मुझे एयरपोर्ट में छोड़ना आएंगे ना, यू नो गाइस। बट अभी नहीं आई हूँ यार, मैं ऐसे ही आई हूँ, घूमने आई हूँ, इसलिए प्लीज़ अपने मन से कन्फ्यूजन निकाल देना। और अभी यहाँ ना ऐसा हो रहा है ना, एक जगह वो हो रही है, एक जगह बादल लगे हुए हैं और एक जगह से बारिश हो रही है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि हम फॉल कलर्स देख पाएंगे? मैं आपको अभी व्यू दिखाती हूँ, तुम टेंशन मत लेना, दिखा रही हूँ, मेरी आँखों से नहीं देख सकते तुम, ये फ़ोन की आँखों से ही देख सकते हो, फ़ोन भी नहीं, कैमरे की आँखों से। तो अब क्या करते हैं, हम तुम्हें कैमरे की आंखों से दिखाते हैं। और अब हम 3.5 घंटे यही सोचने वाले कि हमें फॉल कलर्स दिखने वाले नहीं, जिसके लिए हम 5 घंटे की ड्राइव के लिए जा रहे हैं, ड्राइव से जा रहे हैं। और अब हमको दिखे या ना दिखे तो पता नहीं, हम वहाँ घूम लेंगे, रील्स वील्स बना लेंगे, यार आजकल यही तो ज़माना है, फ़ोन खोलो रील्स, और पैसे कमाने का भी सोर्स है। मैं नहीं कमाती बस, हाँ ये मत सोचना भाई वीडियो बना रही है, तुम सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कैसे कमाऊँगी? करो यार थोड़ा, फिर अगली बार US तुम्हें भी ले आऊँ, एक सब्सक्राइबर को लेके आऊँगी अपने साथ US, अगर तुम लोग ने मुझे सब्सक्राइब किया और ढेर सारे, यू नो वी, जो भी मेरा सब्सक्राइबर आएगा ना गाइस, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तो अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ यार, दिखा रही हूँ, आई एम शोइंग यू गाइस, वेट गाइस। फ्लो में दीदी ने बताया कि मैंने गलत बोल दिया, ऐसा नहीं, कहीं धूप हो रही है और कहीं बादल लगे हुए। ओह माय गॉड गाइस, ये क्या हो गया, फिर से शूट करने से सोचा मैंने यही एक क्लिप डाल देती हूँ, कौन बार बार शूट करेगा। तो अभी मम्मी मुझे बोली कि तू ये क्या वीडियो डालती है, थोड़ा अच्छा करा कर, अच्छा बनाया कर। यू नो मेरी मम्मी मुझे ऐसा बहुत मोटिवेट करती कि बेटा व्लॉग क्या कर, ये मैं बहुत मोटिवेट हो चुकी थी, बट मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि मेरा फ़ोन ही चोरी हो गया, करूं गाइस, दुख दर्द पीड़ा सब मेरी लाइफ में, बट ठीक है यार, फ़ोन गुम हो गया तो मैं US आ गई, थोड़ा वो कंपनसेट हो चुका है। तो अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, बट जो व्यू पीछे आ रहा था वो भी आ नहीं रहा है,
ठीक है, नो वरीज, आई विल शो यू कि कहाँ बादल है और कहाँ धूप हो रही है। अभी तो मुझे हर जगह धूप ही दिख रही है, बट ठीक है, दीदी दिखाएगी क्योंकि दीदी ने मुझे बोला कि एक जगह कहीं बादल दिख रहे हो, क्योंकि उन्होंने तो मुझे पीछे बैठा रखा है, तो आगे वाले देख सकते हैं। तो अभी ये दीदी शूट करेगी अभी, ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर काले बादल हो रहे हैं और यहाँ पर ब्लू बादल हो रहे हैं। मेरे इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही यार? तुम ऐसे ही देख लो, कैमरे के आंखें ऐसी होती है। अब हमारी रियल आंखें तो मैं डाल नहीं सकती इसमें, बट तुम्हें पता इतना अच्छा व्यू आ रहा है तो मजे ही आ गए। मुझे नींद तो बहुत आ रही है, बट अगर मैं सो गई तो मैं ये मिस कर दूंगी, इसलिए वो डायलॉग है ना, ये डायलॉग है ना, ये जवानी है दीवानी में नैना नैना बोलती है, सॉरी बनी को, अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम सनसेट नहीं आ सकते, पता नहीं, सॉरी रॉन्ग डायलॉग, अगर तुम कमेंट बॉक्स में मेरी बेइज्जती कर दोगे, वैसे भी मेरी बेइज्जती सभी कर। तो ये देखो, यहाँ काले बादल है और यहाँ पर थोड़ी धूप हो रही है। ओ सन आ गया, सन यू आर विथ मी, छुप गया, देखो तुम देख सकते हो मेरे को, देखो सन वो ब्लैक बादल्स के बीच में, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो चलो अभी हम तुम्हें आगे का दिखाते हैं कि हमें आज फॉल कलर्स देखने मिलते हैं नहीं मिलते। अरे जीजू बोल रहे दिखते रहे, अरे जीजू हम ये थोड़ा ना देखना है, हम जहाँ डेस्टिनेशन गए हैं वहाँ दिखते हैं नहीं दिखते। सफर का मजा, सफर का मजा तुम ले रहे हो, दीक्षा जहाँ होती है वहाँ सब मजे ही होते हैं लाइफ में। तो अभी देखते हैं गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड, जहाँ ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए फॉल कलर्स। रील्स की तो बाहर होने वाली है, तो मैं अपना इंस्टाग्राम नीचे डाल दूंगी, तो जो मुझे यहाँ सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम और वहाँ की रील्स पे भी। यहाँ तो तुम कमेंट करते नहीं हो, वहाँ क्या कमेंट करोगे? दीक्षा हम कहाँ जा रहे हैं? दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप इंडियंस यूएस आ जाते हो ना, और जो यूएस में रह रहे हो तो ना आप कैसी बेइज्जती करते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं अरकांसा। कहाँ जा रहे हैं बेबी? अरकांसा। दीक्षा कैसा लग रहा है तुम्हें फॉल कलर्स देखने जाने के लिए? आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड गाइस, वेरी वेरी एक्साइटेड। हाय गाइस, तो अभी हम लोग रुके थे रेस्ट ब्रेक के लिए, एंड यहाँ बहुत ठंडी है और हम तो कल के लिए वन पीस लाए हैं, कैसे होगा गाइस? बहुत ठंडी है बट यहाँ का व्यू बहुत सही है। रुकते को दिखाती हूँ दीदी की हालत, एंड जीजू को तो कुछ लग ही नहीं रहा, दीदी और मेरे को बहुत ठंडी लग रही है। और यहाँ का सीन दिखाती हूँ, बहुत सही है, यहाँ के रेस्ट रूम्स के आगे इतना अच्छा सीन है, और इंडिया के रेस्ट रूम्स के आगे, यू कैन रिलेटेड गाइस। ये हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे ही होता है, रोडों के इधर ना ऐसे ही व्यू रहता है पूरा, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब ये ना जस्टिस नहीं देगा कैमरा, जो हम देख रहे हैं ना अपनी आईज से वो कैमरा तुम्हें जस्टिस नहीं दे पाएगा, बट आई मस्ट टेल यू, अगर तुम यूएस में रहते हो या तुम अपने दोस्तों को या फैमिली को बुला रहे हो, प्लीज़ फॉल में बुलाओ, इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। यूएस का रेस्ट एरिया ऐसा होता है, दिस इज़ द रेस्ट एरिया, मस्त ना यार, रेस्ट एरिया भी कितना मस्त लग रहा है, एंड दिस इज़ द व्यू रेस्ट एरिया के आगे का। वो जीजू आ रहे हैं, जीजू हाई कर दो। चलो अब हम खाना खाने जा रहे हैं, बाय। गाइस तो अभी हम घर से हम लोग एग रोल बना के लाए थे, मैंने बनाया था तो जीजू से रिव्यू पूछे, जीजू कैसा है? बहुत टेस्टी ना, ये मेरा है। दीदी तो बोल रही हो हाइक करने जा रहे हो उसके पहले खाएगी, तो ये दो दीदी के बच्चे, दो मैंने मेरे खा लिए, जीजू अपने खा रहे हैं, मैंने सबके लिए दो दो बनाए थे, एंड दिस इज द व्यू। भूख लग गई यार, तो चलो लेट मी एंजॉय माय एग रोल, बाय 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 गाइस। सो गाइस हम पहले एक हाइक पे जा रहे थे, वो 6 miles की थी, बट जिसके लिए हम आए थे, मतलब आए इन सेंस वो हमारे एक प्लान का पार्ट था, बट उसका ना जो रूट था ना 4 miles तक वो बहुत हार्ड था, तो दीदी ने बोला कि इट्स वेरी डेंजर सो वी शुड नॉट गो। आई डोंट नो मैं अपने बाल के साथ इतना क्यों खेल रही हूँ, छोड़ो। तो फिर हम नहीं गए, तो जीजू ने एक दूसरी हाइक ढूंढी है जो बहुत छोटी है, बट जीजू ने बोला यहाँ से थोड़ा अच्छे फॉल कलर्स दिखेंगे, तो लेट्स सी। बट मुझे तो यहाँ के सब पत्ते झड़े हुए दिख रहे हैं, बट ठीक है, लेट्स सी, सो विल सी एंड आई विल शो यू द रूट, ओके, फॉलो मी।
सो दिस इज द रूट विच वी आर फॉलोइंग. दीदी एंड जीजू तो चले गए आगे, मैं भी जा रही हूँ. व्यू बहुत अच्छा है. छोटी है गई. गाइस अभी गिर चुकी हूँ मैं पीछे एक बार, तो अभी रिस्क नहीं ले रही इसलिए शूट नहीं कर रही, क्योंकि अब गिरी तो मैं नीचे ही जाऊँगी. तो व्यू तो बहुत अच्छा है, थोड़ा पाँव में लग भी चुके हैं, बट ठीक है, इट्स ओके. यू गेट मेमोरीज फ्रॉम एवरीवेयर. सो गाइस बाय. फिर गिर गया अभी गाइस. हम लोग बहुत थक गए. नीचे जाना बहुत ईजी, बट ऊपर आना इज़ वेरी हार्ड. बट द व्यू इज गाइस ब्रेथ टेकिंग, बहुत सही है. हैप्पी. सो गाइस अभी हम आए हैं ओजार्क कैफे. ओजार्क करके एक नेटफ्लिक्स ने सीरीज भी है, तो आई गेस वो ओजार्क में ही शूट हुई है ना. वी डोंट नो, बट हम तो आ गए हैं ओजार्क कैफे. नाउ वी हैव ऑर्डर्ड बर्गर सैंडविच. जीजू ने कुछ ऑर्डर किया एंड शेक्स. तो जब अभी आएगा देन विल टेस्ट इट एंड विल टेल यू. बाय. आप थोड़ा लुक देख लो कैफे का. गाइस तो मैंने ऑर्डर किया था स्पाइसी चिकन सैंडविच, क्योंकि बर्गर में सब बीफ था जो हम खाते नहीं. एंड दीदी ने ऑर्डर किया है ग्रिल चिकन सैंडविच एंड जीजू ने किया है वेज बर्गर, क्योंकि जीजू हमारे वेजिटेरियन है. और हमने शेक भी किया है और दीदी ने कॉफ़ी की थी जो पी चुके. और सबसे एपिक देखो कितने बड़े ग्लास में पानी देते हैं. इसमें तो इंडियंस लुट जाएंगे चार बार, एक जन को ही दे देंगे इतने में तो. बट ठीक है, सबके अपने अपने कल्चर होते हैं. बट इट्स वेरी नाइस. अभी खा के बताऊँगी कैसा है. बाय. तो ओजार्क कैफे का मिल्क शेक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी फेमस. तो मैंने ऑर्डर किया ब्लूबेरी जो मेरा वेरी फेवरेट है, और जीजू ने किया है डबल चॉकलेट बनाना मिल्क शेक. जो दोनों दिख रहे तो सेम ही ऊपर से, बट आई गेस अंदर से टेस्ट डिफरेंट है. वेरी नाइस. आइसक्रीम भी डाली है इनने, बहुत सही है. आप किस में भी डाली है. बाय. तो गाइज ये है सैनिक पॉइंट. मतलब यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो आप बीच हाईवे में रुक सकते हैं और फिर ये पॉइंट्स को देख सकते हैं, जैसे बॉम्बे में लोनावला में टाइगर पॉइंट है वैसा. तो आप यहाँ पर फॉल कलर्स देख सकते हो. देखो सुंदर लग रहा है ना, बट बहुत ठंड हो रही है. मैं तो कांप रही हूँ, तो मैं बस ये शूट करने के लिए थी अभी. जीजू तो अपना बस फोटोग्राफी कर रही है एज अ कैमरा. तो अभी मैं जा रही हूँ. बाय गाइज. So guys, for the night we checked into this country club Airbnb. So this is how inka hall looks like. This is a 1 BHK house. तो ये मर्फी बेड है जिसको अभी हमने कैसे तो यूट्यूब से देख के कन्वर्ट किया है, क्योंकि आता नहीं था. ये फ्रिज है. दिस इज़ द टाइनी किचन विच लुक्स वेरी नाइस. एंड देन दिस इज़ द बाथरूम. उसके बाद this is the bedroom which looks very nice and comfortable. sahi hai na guys, maza aa gaya. so abhi hum rest karenge because we are very 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 tired. main to thoda so bhi gayi thi car mein, to abhi hum rest karenge fir kal to bhi aapse milenge. तब के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल सो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन. एंड कल का नया व्लॉग आएगा फॉर डे टू. ठीक है, चलो गाइस बाय. गाइस अभी हम सो रहे हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं. तो अभी हमें कल सुबह जल्दी उठ के फिर से हमारा जो सीनिक व्यू है वो देखने जाना है, क्योंकि अभी रात हो गई थी तो हम फॉर कलर्स अच्छे से देख नहीं पाए. सो हम आपको कल मिलते हैं. बाय बाय, गुड नाइट. पाँव में लग भी गई है तो थोड़ा दर्द भी हो रहा है. और देखते हैं अभी हम कल क्या देखेंगे. सरप्राइज होगा आपके लिए.
हम दो वीडियोस डालने वाले हैं, पार्ट वन पार्ट टू. तो आज का होगा पार्ट वन और जो कल हम शूट करेंगे दैट विल बी द पार्ट टू वीडियो. बाय, गुड नाइट.